बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों की और खासकर बहुजन समाज की तकदीर लिख दी। बाबा साहब अंबेडकर के इस लंबे संघर्ष के बाद इस कारवा को मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने आगे बढ़ाया। मान्यवर कांशीराम साहब के एक ऐसे ही भाषण के कुछ अंश जहां वे कहते हैं कि भारतीय संविधान महापुरुषों के संघर्ष का नतीजा है। वे कहते हैं संविधान के बारे में बहुजन समाज को जानकार बनना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज के साथ अज्ञानता के कारण बहुत लंबे अरसे से धोखा हुआ है। ऐसा धोखा आगे नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुजन समाज को यानी कि देश के बहुत बड़े समाज को जो 100 में से 85% समाज है देश के कोने कोने में फैला है उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है। वे आगे कहते हैं इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वो कोई एकाएक नहीं बना है, इसके पीछे शूद्र और अतिशूद्र समाज का लगभग 200 साल का लंबा संघर्ष है। ये संघर्ष 1812 में बंगाल के चांडालों ने शुरू किया, जिन चांडालों ने 1946 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा। बाबा साहब अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ और महाराष्ट्र को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, देश भर उन्होंने काम किया, लेकिन 1946 में संविधान सभा में चुनकर आने के लिए उनको चांडालों के पास जाना पड़ा। संविधान सभा चुनाव में बाबा साहब का कड़ा विरोध कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा चाहे कोई भी चुनकर संविधान सभा में जाए लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को हम चुनकर नहीं जाने देंगे। अंबेडकर के लिए हम लोगों ने संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में रोशनदान से कूदकर जाना पड़ा। वह रोशनदान था जयसोर और खुलना की वो सीट जो बंगाल से आती थी, जहां से चांडालों ने उन्हें मौका दिया। आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में जयसोर, खुलना, फरीदपुर, बोरीसाल इन क्षेत्रों से चुनकर गए थे। मान्यवर साहब आगे कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका बड़ी ही मुश्किल से मिला। उस समय मनुवाद की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, जिसमें आज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी दो सूचियां बनाकर विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया गया। 1919 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले महात्मा फुले और उनके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने लंबा संघर्ष किया। एक कुर्मी समाज के महाराजा थे और एक माली समाज के थे, और इसलिए 1919 का एक्ट और इसलिए 1919 का एक्ट एससी एसटी के पक्ष में बना, जिसके लिए महात्मा फुले और शाहू महाराज ने 75 साल लंबा संघर्ष किया और बाबा साहब अंबेडकर ने इसे आगे बढ़ाया। तब जाकर 1950 में भारत का संविधान बना। संविधान के कारण बहुजन समाज के टूटे फूटे, दबे कुचले, जिनको जानवर से नीचे का दर्जा दिया गया, ऐसे लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, जो वोट का अधिकार गांधी और उसकी कांग्रेस नहीं देना चाहती थी। उसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया और 18 अगस्त 1932 को हमारे लिए वोट का अधिकार हासिल किया। इस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर लिए तो हम मनुवादियों का तख्ता पलट कर सकते हैं। इसलिए वे संविधान में कमियां ढूंढकर उसे बदलना चाहते हैं, लेकिन साथियों हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम भारत के कोने कोने में जाकर बहुजन समाज को जागृत करेंगे, तब जाकर बहुजन समाज
ऑटो वाला समाज उठकर खड़ा होगा और मुट्ठी भर लोगों की सरकार को किनारे लगाकर बहुजन समाज और देश प्रदेशों का हुक्मरान बनेगा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।